आजादी के 5 दिन बाद 20 अगस्त 1947 को संविधान सभा फिर मिली। जहां एक तरफ स्वतंत्रता मिलने की खुशी थी, तो वहीं कई शिकवे शिकायतें भी सामने आने लगीं। सभापति महोदय, इससे पहले कि हम आज की कार्रवाई शुरू करें, मैं आपका ध्यान एक अहम मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। खबर है कि स्वाधीनता दिवस को आगरा के किले में लाखों लोग झंडारोहण के लिए इकट्ठा हुए थे। आगे खबर है कि एक अंग्रेज अफसर ने कहा कि अगर यूनियन जैक नीचे उतार के नया झंडा फहराया गया तो वो किसी भी फौजी को इस समारोह में शामिल नहीं होने देगा। हम किसी भी रूप में अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान सहन नहीं कर सकते। मेरी सभापति जी से प्रार्थना है कि आप सदन के लीडर पंडित नेहरू से कहें कि वो इस विषय पे बयान दें। उन घटनाओं के मुताल्लिक जो 14-15 अगस्त को हुई, मैं सदन के नेता से गुजारिश करूंगा कि वो अपना बयान दे। इस सभा में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे मैं पूरे गौर से सुनने की कोशिश कर रहा हूं, और जो कुछ भी कहा गया है उसका मुश्किल से मुझे 1/4 पल्ले पड़ा है। अब हो सकता है कि यहां के एकूस्टिक्स बदल गए हैं, या तो फिर पिछले दिनों के उत्साह के कारण हमारी आवाजें फट चुकी हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, सर, द लाउड स्पीकर सिस्टम इज नॉट बिहेविंग एज वेल एज इट यूज्ड टू टिल द 15th of August. It has got infected by independence, like all of us. हंसी खुशी और मजाक की बात तो अलग, पर अब संविधान सभा के सामने नई गंभीर चुनौतियां थीं। एक तरफ वो देश के लिए नया कानून बनाने बैठे थे, तो दूसरी तरफ देश भर में हर तरह के कानून तोड़े जा रहे थे। जैसा कि अमेरिकन इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने लिखा है, द फंडामेंटल राइट्स वर फ्रेम्ड अगेंस्ट द कार्नेज ऑफ फंडामेंटल रॉन्ग्स। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी कहिए। इससे पहले कि आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि पश्चिमी पंजाब में जो दुर्घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से वहां हत्याएं हो रही हैं और जिस तरह से लोग मारे काटे जा रहे हैं, उन दुखियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए हमारी आज की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर देवे। लाहौर और दूसरे इलाके जल रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, और हम अपना विधान बनाने के कार्य में संलग्न रहे, ऐसा आरोप हमारे ऊपर लगाने का अवसर न दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुसीबत इस वक्त बहुत से लोगों पर गुजर रही है उससे हमारी पूरी सहानुभूति है, और हम जहां तक हो सकता है कुछ करेंगे और इससे बाज नहीं आएंगे। और इस वक्त अगर हाउस के सब लोगों की ख्वाहिश हो तो जो इस मुसीबत में मुब्तिला हैं और जिन्हें ये सब तकलीफें भुगतनी पड़ रही हैं, उन सब के लिए हम खड़े होकर अपनी तरफ से दुख और हमदर्दी जाहिर करें। इसी सेशन में संविधान को बाकायदा लिखित रूप देने की दिशा में काम शुरू किया गया। तय पाया गया कि संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बेनिगल नरसिंह राव, जो पूरी दुनिया में संविधान के महान विद्वान माने जाते थे, सभा में पेश प्रस्तावों और कमिटीज की रिपोर्ट्स के आधार पर संविधान का एक मसौदा तैयार करेंगे, और इस ड्राफ्ट की समीक्षा या स्क्रूटनी करने के लिए 7 सदस्यों की एक कमिटी नियुक्त की गई। दिस असेंबली रिजॉल्व्स दैट द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ ऑनरेबल अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर,
श्री एन गोपाल स्वामी अयंगार, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, श्री के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, श्री बी एन मित्तर एंड मिस्टर डी पी खेतान बी अपॉइंटेड टू scrutinize the draft of the text of the constitution prepared by the constitutional advisor Sir Banigal Narsingh Rao, giving effect to the decisions taken already in the assembly. Those for the motion say aye. Aye. And those opposed to it say no. Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. सर बेनेगल नरसिंह राव के मसौदे को देख और परख के उसे सही रूप देने की जिम्मेदारी थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, जिसके अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर। अब उन्हीं को तय करना था कि भारत के बाशिंदों के बुनियादी हक क्या होंगे, कितने होंगे और कैसे होंगे। वर्षों पहले सन 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ हरेक हिंदुस्तानी के मौलिक अधिकार की बात सामने रखी थी और गांधी जी ने उनकी ताईद की थी। आज हम कांग्रेस की तरफ से सरकार से ये मांग करते हैं कि आपको हर हिंदुस्तानी को उसके बुनियादी हुकूक देने ही पड़ेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम मांग करते हैं कि हर शहरी को अपनी बात कहने विचार रखने की आजादी हो, हर नागरिक को मिलने जुलने मीटिंग करने का हक हो। हम मांग करते हैं कि हर बशर को अपने मजहब को मानने और धर्म का प्रचार करने की छूट हो, हर जबान और इलाके के बाशिंदे को और खास करके माइनॉरिटी को इस बात का हक हो कि वो अपनी जबान और कल्चर को महफूज रखे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हम मांग करते हैं कि हिंदुस्तान का हर मर्द और औरत कानून के सामने बराबर होगा, चाहे फिर वो किसी कौम जात फिरके का क्यों ना हो, और ये कि धर्म जात पात इलाके की वजह से सरकारी नौकरी देने में किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। और हम मांग करते हैं कि किसी भी इंसान को गैर कानूनी गिरफ्तारी तलाशी और कुर्की से ना गुजरना पड़े। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। और हम ये भी मांग करते हैं कि हमें इस बात की आजादी हो कि हिंदुस्तान का रहने वाला हर आदमी पूरे देश में जहां चाहे जाए, रहे, बसे और काम नौकरी व्यापार कर सके। जब तक ये सारे बुनियादी हक हर हिंदुस्तानी को नहीं मिल जाते, मेरा आपसे वादा है कि ना मैं चुप बैठूंगा ना आपकी कांग्रेस पार्टी। पंडित नेहरू जिंदाबाद। पंडित नेहरू जिंदाबाद। पंडित नेहरू जिंदाबाद। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है, बस इतना बताना है कि भारतीयों के मूल अधिकारों को लेकर जो प्रस्ताव जवाहरलाल जी ने पेश किया है वो इस सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। यही अधिकार तो हमें बताते हैं कि कांग्रेस किस किस्म के स्वराज की कल्पना कर रही है। संविधान सभा ने फंडामेंटल राइट्स को लेकर आजादी और बंटवारे से पहले ही सन 1947 में एक समिति बनाई थी जो
जो पहली बार 27 फरवरी के दिन मिली। As you are all aware, the main task of this committee is to discuss and make suggestions on the rights of the citizens. और मेरे विचार से किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। It is always about the fundamental rights. तो आप लोगों के जो भी सुझाव, प्रस्ताव आदि हों, बेझिझक सामने रखिए। If we look at the fundamental rights and guarantees embodied in the Irish and American Constitution, then all the rights that we may give should be enforceable in courts of law. इसके अतिरिक्त हमें उन अधिकारों की भी बात कर लेनी चाहिए, जिन्हें भले हम आज अपने नागरिकों को ना दे पाएं, पर जहां तक पहुंचना हमारा सपना है। That's very true, but is there any use in laying down precepts for rights which remain unenforceable and ineffective? अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों की फेहरिस्त भी बना लेनी चाहिए। तो चलिए पहले हम उन्हीं मूल अधिकारों की बात कर लेते हैं जिनके नाम मिलने पर हर शहरी न्यायालय के द्वार खटखटा सकता है। Well, if you ask me, I think we should take the Constitution of the United States of America as a model for the protection of the basic rights of our citizens. If I may, I would like to inform the committee that I have prepared a long list of fundamental rights, which I can lay here. अब यही तो आपका बड़प्पन है अंबेडकर जी। मुझे ये भी पता है कि प्रोफेसर केटी शाह ने भी कमेटी की सहूलियत के लिए काफी सारे नोट्स तैयार किए हैं। मैं कमेटी के ऑफिस को तायीद कर देता हूं कि वो इन सारे दस्तावेजों की कॉपियां हर मेंबर को मुहैया करवा दें। नाउ मे आई ऑल्सो सजेस्ट दैट द कमिटी एडजर्न्स फॉर एटलीस्ट 3 weeks, हेंस प्रोवाइडिंग द मेंबर्स विद इनफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू formulate their own proposals. I think you will have a consensus on this. Good. तो चलिए एक महीने बाद मुलाकात करते हैं और आज यहां ये प्रण करते हैं कि फिर इस कमेटी का काम हम तब तक स्थगित नहीं करेंगे जब तक कि भविष्य के भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का एक पूरा खाका तैयार नहीं कर लेते। 24 मार्च को जब कमेटी दोबारा मिली तो उसमें और लोग भी जुड़ चुके थे और इसके बाद कमेटी लगातार 10 बार मिलती रही ताकि मौलिक अधिकारों को लेकर एक साफ तस्वीर सामने आ सके। तो ये तय पाया गया है कि भारत के हर एक नागरिक को कहीं भी आने जाने, रहने, बसने, जायदाद खरीदने और नौकरी, काम, व्यवसाय करने की पूरी आजादी होगी। Subject to such restraints as the law may impose. Oh, yes, of course. That goes without saying. No, Acharya ji. In a constitution, nothing goes without saying. Dr. Ambedkar, theek keh rahe hain, Acharya ji. Tabhi, yahan jo ye likha hai ki all citizens of the union will be equal before the law, mere vichar se likha jana chahiye ki all persons and not merely citizens of the union shall be equal before the law. जी ठीक बात है। अब हम किसी को सजा सिर्फ कम या ज्यादा इसलिए तो नहीं दे सकते कि वो संघ का नागरिक नहीं है। एक बात और थी, आर्टिकल 4 ये कहता है कि हिंदुस्तानी भाषा जिसे नागरिक अपनी पसंद से देवनागरी या फारसी लिपि में लिख सकेगा संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रथम औपचारिक भाषा होगी। आई डो नॉट थिंक दैट द क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज हैज एनीथिंग टू डू विद फंडामेंटल राइट्स। मैं डॉक्टर अंबेडकर से इत्तेफाक रखती हूं। कल हम जो चाहें अपनी नेशनल लैंग्वेज चुने, लेकिन आज उसका इस बात से क्या लेना देना कि हम अपने बुनियादी हक कितने और क्या तय करते हैं। राजकुमारी जी ठीक कह रही हैं, पर इनके राजकुमारी होने से मुझे एक बात सूझी कि हमारे नए भारत में जहां राजा प्रजा सभी समान होंगे वहां ये सारी पदवियां राजकुमारी, राजाधिराज, नवाब बहादुर, छत्रपति, कुंवरपाल, दीवान बहादुर एज आई एम कॉल्ड जी,
इन सारी वसीयत में मिली पदवियों का हमारे नए भारत में क्या काम? आई एम टोटली विथ यू प्रोफेसर शाह. आज से आप मुझे सिर्फ अमृत कौर बुला सकते हैं. एंड फ्रॉम टुमारो शैल वी स्टॉप एड्रेसिंग कृपलानी जी एज आचार्य, अंबेडकर जी एज डॉक्टर एंड यू एज प्रोफेसर? नहीं नहीं नहीं, देखिए एकेडमिक डिग्री और काम के पदनाम तो रहेंगे, पर ये खानदानी और पैदाइशी पदवियां खत्म. और मेरे जैसे लोगों का क्या होगा जिन्हें किंग ऑफ इंग्लैंड ने नाइटहुड की पदवी दी है? पहली बात तो ये कि अब किंग ऑफ इंग्लैंड का हम लोगों से क्या लेना देना, क्यों? और फिर भी अगर कोई देश या कोई सरकार हमारे किसी नागरिक को कोई पदवी देना चाहे तो मेरे विचार से पहले उसे हमारे संघ की सभा से इजाजत लेनी चाहिए. आचार्य जी, आजाद भारत के नागरिकों को अगर हम सबसे बड़ा अधिकार दे सकते हैं वो है आजादी का अधिकार. बर्तानिया के राज में जब देखो तब यह अधिकार छीन लेती थी सरकार, पर अब हमें अपने नागरिकों को पूरी और मुकम्मल आजादी देनी ही होगी. मैं आपसे पूर्णतः से सहमत हूं. मैं भी पूरी आजादी के पूरे पक्ष में हूं. सी, एब्सोल्यूट लिबर्टी इज सिंपली अ यूटोपियन ड्रीम. जस्ट बिकॉज वी विल बिकम अ फ्री नेशन फ्रॉम टुमारो, सोसाइटी विल नॉट बिकम फ्री फ्रॉम क्राइम और क्रिमिनल्स. एंड फॉर द सेक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर we will have to jail, arrest and intern people. In that case, we should have a provision that the person has to be informed of his deprivation of liberty within 24 hours of his detention. Haan, giriftari ke 24 ghante ke andar sahi kanuni madad aur sunwai ka haq hame har nagrik ko dena hi hoga, warna koi fark nahi rahega azad aur gulam bharat mein. मुझे नहीं लगता हम में से किसी को भी इस प्रावधान से एतराज होना चाहिए. लोकमान्य ने तो बहुत पहले ही कह दिया था दैट स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. यूं एक एक करके बराबरी, आजादी, संस्कृति और शिक्षा, शोषण के विरुद्ध और संवैधानिक सुरक्षा के अधिकार हर नागरिक के अधिकारों में जुड़ते चले गए. क्या होना चाहिए के साथ ये भी तय किया गया कि क्या क्या नहीं होना चाहिए. कई मुद्दों पर तो सब एकमत होते तो कई विषयों पर वोट से फैसला होता और कई बार फैसला नहीं भी हो पाता. गुलामों से भी बदतर व्यवहार और अत्याचार हमारे गांव में हरिजनों और दूसरे गरीब लोगों पर होते हैं जब उनसे बेगार करवाया जाता है. बंधुआ मजदूरी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए हमारे भारत के खेत खलिहानों में. मुंशी जी, सिर्फ खेत खलियानों में ही नहीं, न कारखानों में न खानों खदानों में, गुलामी का नामो निशान मिटाना ही होगा हमें. और सबसे वाहियात बात है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खानों खदानों और खतरनाक कारखानों में काम करवाया जाता है. हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए हमारे संविधान में. आई कुडंट अग्री विद अमृत कौर जी मोर. Let me go further while on the topic of children. I propose that there should be no difference between legitimate and illegitimate children as far as laws of inheritance are concerned. Par is tarah kya hum shaadi jaisi sanstha par hi prashnachin nahi laga denge? Hame yaad rakhna chahiye ki hum tay kar chuke hain ki shaadi vyah jaisi cheezon par hum abhi is waqt yahan baat nahi karenge. For that matter, all the personal laws are not in our purview here. Here, we are not interfering with anyone's personal law. This is about children and their rights. And you, Diwan Sahab, are a learned man. And you know what Shakespeare says about this question of legitimate and illegitimate. Bastard? Why bastard? Wherefore base? When my dimensions are as well compact, my mind as generous, and my shape as true as an honest madam's issue. अब शेक्सपियर का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है.
तो एक काम करते हैं, इस विषय पे वोट कर लेते हैं. Those in favor of Dr. Ambedkar's proposal, please raise your hands. छह विपक्ष में, केवल तीन पक्ष में. क्या कर सकते हैं अंबेडकर जी, कभी जीत कभी हार. एंड वी मस्ट प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच. ये एक जनतंत्र है आखिरकार. आचार्य जी, मैं यहां ये बात फिर से उठाना चाहूंगा कि अमेरिका की तरह हर भारतीय को कुछ साल सेना में बिताने ही चाहिए. कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग एंड कॉन्स्क्रिप्शन. बट डजंट दिस ऑल्सो अमाउंट टू स्लेवरी एंड इनवॉलंटरी सर्विट्यूड? ये स्लेवरी नहीं, सेवा का प्रश्न है अंबेडकर जी. तो इस पर भी वोट हो जाए. ठीक है, जो पक्ष में है हाथ उठाएं. केवल तीन है पक्ष में. पर अगले मुद्दे पर सब मेरे साथ होंगे, ये मैं पक्का जानता हूं. I propose that universal adult suffrage must be guaranteed by the constitution. सबका तो मैं नहीं जानता, पर मेरा वोट आपके साथ है मुंशी जी. और ये कि elections shall be free, secret and periodical. इस मुद्दे पर मुंशी जी मेरा वोट भी आपके साथ है. इसके अलावा चुनाव के लिए विधि द्वारा एक अलग आजाद इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा. So we are all unanimous on this, because today we are creating history. आज संसार के इतिहास में पहली बार एक देश स्थापित होते ही बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण और प्रदेश के भेदभाव के अपने सारे वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दे रहा है. And believe me, this voting right is the greatest fundamental right that we will be giving to the citizens of our country. उस समय तक दुनिया के कई अग्रणी राष्ट्रों में भी कहीं कालों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो कहीं औरतों को, तो कहीं और दूसरे धर्म के मानने वालों को. लेकिन हमारा संविधान बनाने वाले एक नया इतिहास रच रहे थे. पर अभी और भी कई मुद्दे तय होने थे, और उनमें से एक था अभिव्यक्ति का अधिकार, द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. I would like to suggest that a provision should be made by law to prevent the publication or utterance of seditious, obscene, slanderous, libelous or defamatory matter, and to make such publication or utterance actionable or punishable. I want to add the words likely to promote class hatred. Though this does not actually come under sedition or any of the other things mentioned. And people will have a carte blanche to promote class hatred. We may add class or religious hatred. ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ऐसा कानून दुधारी तलवार साबित हो सकता है. सत्ता में बैठी मेजॉरिटी पार्टी के खिलाफ बोली गई जरा सी भी बात को क्लास या कम्युनल नफरत करार देकर सजा दी जा सकती है. और ऐसी बातें अगर सत्ता में बैठे लोग फैलाएं तो उन्हें कोई छुएगा भी नहीं. आई सजेस्ट लेट अस बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड से राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू क्रिमिनल लॉ. अभिव्यक्ति की आजादी को आज पूरी दुनिया में सम्मान दिया जा रहा है, और यह भी महसूस किया जा रहा है कि अगर किसी के वक्तव्य या लेखन से किसी विशेष वर्ग या धर्म के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई जा रही है और उसे हिंसा फैलने का कोई डर नहीं है, तो आदमी को अपनी बात कहने का पूरा हक होना चाहिए, पूरी आजादी होनी चाहिए. इफ यू पुट दिस इन देन सेक्शन 153A ऑफ द पीनल कोड स्टैंड नलिफाइड. सर, आपसे बेहतर और कौन जानता है कि ताकतवर मेजॉरिटी वालों को कास्ट और कम्युनल हेट्रेड फैलाने से रोकना असंभव होता है. मैंने तो यह भी सुना है कि एक मर्तबा किसी अखबार को सेक्शन 153A को लेकर इसलिए मुकदमा चलाया गया था क्योंकि उस अखबार ने पुलिस के खिलाफ कोई लेख लिख दिया था.
और दलील ये दी गई थी कि पुलिस अपने आप में एक खास तबका है और पुलिस के खिलाफ बात करके अखबार वाले एक खास फिरके के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं. यस, वी ऑल्सो स्टार्टेड अप सर्टेन पीरियोडिकल इन बंगाल एंड इवन बिफोर द फर्स्ट इशू केम आउट अनऑफिशियल वार्निंग वॉज गिवन टू अस दैट अनलेस वी स्टॉप एक्शन विल बी टेकन अंडर सेक्शन 153. वी हैव टू स्टॉप. सो आई एम अफ्रेड so far as we are concerned we do not feel quite safe if there is a provision of this sort. maulik adhikaron mein abhivyakti ki azadi to hame mili par dhara 153a bhi rahi. iske baad samiti mein zordar vaad vivad hathiyar rakhne ke adhikar ko lekar bhi hua. mera vichar hai ki har nagrik ko hathiyar rakhne ki swatantrata ho aur mera sujhav hai ki is sanshodhan ko clause 10 mein jod diya jana chahiye. Would it be wise to have such a law and in such a form? Dr. Shyama Prasad Mukherjee ka kehna hai ki har nagrik ko hathiyar rakhne ka haq hona hi chahiye. Phir kyun na hum ise mool adhikaron ka ek hissa bana le? But to allow such a thing in the present state of our society will be a dangerous thing. The Arms Act has to be a central subject. I think this point is of some substance. There are two questions. One, whether every citizen should have the right to bear arms. And two, whether we need a uniform law throughout the union. You cannot allow different units to make different laws with regards to bearing of arms. That would undoubtedly lead to complete anarchy. And it would cut at the very root of the security of the union. But defense is a union subject. किसी के हथियार रखने का देश की रक्षा से क्या लेना देना है? मेरा जाती ख्याल है कि शिकार को छोड़कर बाकी किसी भी वजह से लोगों के हाथ में हथियार देने से बिला वजह जान माल का खतरा बढ़ेगा ही और हमें इसे अलाउ नहीं करना चाहिए. यहां शायद मेरी आवाज अकेली पड़ जाए पर मेरे मन में जिस अहिंसक सरकार और समाज का तस्वीर है उसके लिए हथियार को ताक पे रखना जरूरी है. एंड आई वुड लाइक माई व्यू टू बी रिकॉर्डेड हियर. सोचने की बात है कि अगर अमेरिका की तरह हमें भी हथियार रखने का अधिकार मिल जाता तो हिंसा का बवंडर कहां पहुंच गया होता. पर नागरिकों के मूल अधिकारों को लेकर अभी बहुत सी बातों के बारे में सोचना था. विडंबना ये थी कि फंडामेंटल राइट्स तय करने वाली समिति को ही ये भी तय करना था कि कब ये मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार नहीं रह जाएंगे. डॉक्टर अम्बेडकर की दलील थी कि कभी कभी आपातकाल या इमरजेंसी में जब खुद राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में हो तो संघ को पहले खुद को बचाना होगा ना कि किसी नागरिक के अधिकार को. इन द प्रोविजन डीलिंग विद ग्रेव इमरजेंसी वी हैव स्टेटेड दैट ऑल दीज फंडामेंटल राइट्स आर लायबल टू बी सस्पेंडेड व्हेनेवर इन द व्यू ऑफ द यूनियन इट इज नेसेसरी टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी. दुनिया के कई संविधानों में मौलिक अधिकारों के चलते आप नागरिक को गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, पर हमने इसे अपने संविधान से हटा दिया है ताकि आने वाली सरकारों को हम ऐसी किसी भी बेड़ी में ना जकड़ें. हां, पर सही कानूनी कार्रवाई का प्रावधान हमने हर हाल में रखा है. जरूरी सवाल यह है कि क्या लेजिस्लेचर के पास ये विशेष अधिकार होगा कि अगर वो चाहे किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ही कैद में रख सकते हैं. ऐसा कोई अधिकार हम नहीं देने जा रहे हैं जिसके चलते सरकार बिना कानून और अदालत के सामने जाने का हक दिए किसी को भी गिरफ्तार कर ले. छोटी बड़ी कोई बात संविधान बनाने वालों की नजरों से छूटी नहीं थी. जैसे शादी ब्याह को लेकर उस समय चले आ रहे कानून को चुनौती दे डाली श्रीमती हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर ने. शादी औरत और मर्द दोनों की हामी से हो और वैवाहिक जीवन में दोनों का समान हक और बराबर की मर्जी हो, यह नुक्ता फंडामेंटल राइट्स में आना चाहिए. आना तो चाहिए पर मर्द मानेंगे कहां. गांधी जी ने तो अपनी प्रार्थना सभा में यह तक कहा था कि मुख्तलिफ मजहबों और फिरकों के लोगों के बीच
शादियां होना अच्छा ही नहीं, जरूरी भी है। और मैं कहता हूं कि पति और पत्नी अपने अपने धर्म को ना छोड़ें। पर 1872 के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऐसी शादियों की मनाही है। अगर दो अलग धर्म के लोग आपस में शादी करें तो दोनों में से कोई एक अपना धर्म बदले, या फिर दोनों ये हलफ उठाएं कि दोनों नास्तिक हैं। मेरी एक सहेली को तो अपना धर्म बचाने के लिए स्विट्जरलैंड जाकर के शादी करनी पड़ी। अब ये बताइए, कितने लोग इस बात को अफोर्ड कर सकते हैं? मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड की तरह हमें भी अपने आईन में ये बात कह देनी चाहिए कि धर्म दो लोगों की शादी के बीच किसी तरह का अड़ूंगा नहीं डाल सकता। बिल्कुल। और अगर ये बात संविधान में शामिल हो गई तो अब तक चला आ रहा ये पुराना कानून असंवैधानिक अल्ट्रावायरस करार दे दिया जाएगा। मैं कमेटी को फौरन एक चिट्ठी लिख देती हूं, फिर देखते हैं तुम्हारे और मेरे अलावा कौन इस मामले में हमारा साथ देता है। मर्द तो शायद ही कोई साथ दे हमारा। कम से कम एक मर्द ने तो साथ दिया इन दो औरतों का, श्री एम आर मसानी ने। फिर भी शादी का मसला बुनियादी हक में शामिल नहीं किया जा सका। यूं मूल अधिकारों पर समिति की कई बैठकों के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सदन को एक पत्र लिखा और बताया कि कैसे समिति ने बुनियादी हकों को दो हिस्सों में बांटा है। द कमिटी हैज रेकमेंडेड दैट द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स शुड बी इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट consisting of rights enforceable by legal processes, and the second part consisting of directive principles and social policy, which though not enforceable in courts of law are nevertheless to be regarded as fundamental in the governance of the country. The justiciable fundamental rights include rights of equality, freedom, relating to religion, culture, and educational rights, and miscellaneous rights which include property and the right to constitutional remedies. 21 अप्रैल सन 47 के दिन फंडामेंटल राइट्स कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट सरदार पटेल ने सदन के पटल पर रखी। कमेटी में इस विषय को लेकर दो तरह के मत थे। एक ये राय थी कि नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने चाहिए, जिनकी बिना पे वे सीधी तरह अदालत में जाकर अपने हक सिद्ध करवा सके, और दूसरी ओर यह राय थी कि बहुत ही कम मगर अहम मूल अधिकारों तक फंडामेंटल राइट्स को सीमित रखना ही उचित होगा। वो तीसरा मत जो हमारी कमेटी में पाया ही नहीं गया वो ये रहता कि आजाद हिंदुस्तान में न पुलिस की दरकार है न जेल की, प्रेस डंडा और बंदूक को पूरी तरह छूट रहे, हर एक को जो मर्जी में आए वो करने की संपूर्ण आजादी मिलनी चाहिए। सरदार पटेल को उम्मीद थी कि मौलिक अधिकारों जैसी मूल चीज पर तो बहुत से संशोधन नहीं ही आएंगे, पर 150 से भी ज्यादा लोग कुछ ना कुछ बदलना चाहते थे या नई बातें जोड़ना चाहते थे फंडामेंटल राइट्स में। सर, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इकोनॉमिक फंडामेंटल राइट्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दीज जस्टिसेबल राइट्स। इकोनॉमिक राइट्स आर एसेंशियल व्हाइल फ्रेमिंग अ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे मस्ट ऑल्सो बी मेड जस्टिसेबल। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माइंस, key industries and basic industries
should not be nationalized. Sir, I hope the House will consider my suggestion seriously. शब्द अछूत और अस्पृश्यता की परिभाषा को लेकर तो कई आवाजें उठी. Sir, the word untouchability requires clarification. Sometimes it means not being allowed to drink a glass of water. Other times it relates to denial of admission of Harijans into temples or intercaste dining, intercaste marriage. Mahatma Gandhi has used the word untouchability in various ways on different occasions with different meanings. But sir, untouchability is merely a symptom, the root cause of which is the caste distinction. And unless caste distinction is removed, untouchability in some form is bound to exist. In an independent India, everyone must enjoy equal social conditions. I take it that the legislators will define the word untouchability so that the courts might prescribe proper punishment. Sardar Vallabh Bhai Patel कुछ और अनुच्छेदों को स्पष्ट करने फिर खड़े हुए. सर, आई बेग टू मूव दैट वन द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स. टू, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन एनी ग्राउंड ऑफ रिलीजन race, caste or sex in regard to A. Access to trading establishments including public restaurants and hotels. B. The use of wells, tanks, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of public funds or dedicated to the use of the general public. Sir, the following word should be inserted after sex. Or of dress worn of any nationality. It seems a laughing matter, but even today, on the threshold of independence, there are hotels which do not welcome people dressed in Indian style. Sir, I moved at the words schools, hostels, temples or places of worship should be included. Although some schools are thrown open to Harijans in the villages, they are not allowed to sit along with caste Hindu students. They are asked to sit on the floor or at some distance. As regards temples, untouchables are made to worship God only from a distance and not from within the temple itself. I think untouchability is the sole cause of this. It is suggested that it would be sufficient if you put one clause as follows. The state shall not permit any discrimination on ground of religion, etc. Put like that, it will cover all cases of private institutions as well as state institutions. 150 में से कई लोगों ने अपने अमेंडमेंट्स वापस भी ले लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मूल अधिकारों के इस प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत नहीं थे. सोशलिस्ट नेता सोमनाथ लाहिरी भी उन्हीं में से एक थे. आई एम कंस्ट्रेंड टू से दैट दीज आर फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम अ पुलिस कॉन्स्टेबल्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फ्री एंड फाइटिंग नेशन. डज सरदार पटेल वॉन्ट इवन मोर पावर देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट? An alien government, an autocratic government, which is against the people and needs to protect itself? Certainly not. Here, according to Sardar Patel, a seditious speech is a punishable crime. If I say at any time in the future, or the Socialist Party says,
that the government in power is despicable, Sardar Patel, if he is in power at that time, will be able to put Socialist Party people and myself in jail. Sri Rajagopalachari wants to go even further. Sardar Patel would punish us if we make a speech, but Rajaji would punish us even before we have made a speech. He wants to prevent the making of speech itself if, in his wisdom, he thinks that the fellow is going to make a seditious speech. That is not the basis of democracy. Sir, I want to ask, where does the policeman come in? We have had such a bitter experience of policemen in our country that the authors of this document have had to formulate these clauses in such a way so as to have the least possible interference of policemen. Sir, these provisions are intended to see that those people who believe in liberalism at one end and communism at the other will not be able to take advantage of these rights to pave way for totalitarianism. Several states of Europe between the two wars took advantage of fundamental rights to the extent that they came to power and paved way for Nazism on one hand and communism on the other. We have to safeguard ourselves against such a menace. Congress ki bahumat ke bawajood, Sardar Patel ne apne mukhalif Somnath Lahiri ke sanshodhan ko mana aur rajdroh, yani seditious shabd ko prastav se hata diya. My amendment that the word seditious be deleted has been agreed to by the mover of the resolution. I am specially glad that the Congress party members did not take the advice of Professor Ranga, who thought that democracy and liberty are harmful to India because democracy and liberty are supposed by him to have helped the Nazis to come to power in Germany. Anybody who knows a little history knows that Nazism is not the result of having too much democracy. Nazism came to power in Germany because the rights and liberties that were given under Weimar Constitution were challenged by force by the capitalist classes in Germany with the help of Hitler's Nazi gangsters. ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि हम अपने संविधान और मूल अधिकारों को तब तक तय न करें जब तक वजूद में आने वाले मुल्क पाकिस्तान का संविधान नहीं बन जाता. सर, जहां तक माइनॉरिटीज के अधिकार की गारंटी का सवाल है, इस मुद्दे को आने वाली सरकारों पे छोड़ देना चाहिए. यहां के लोग शायद ये देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान में बसने वाली माइनॉरिटीज के साथ क्या होने वाला है. इसलिए यह मसला फिलहाल इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है. मैं कहता हूं कि इस समस्या को ऐसे ही हवा में लटके रहने दें तो बेहतर होगा, जब तक कि हमें पता ना चले कि आइंदा के विभाजित हिंदुस्तान की शक्ल क्या होगी और उन इकाइयों में माइनॉरिटीज को लेकर क्या बर्ताव होने वाला है. मिस्टर प्रेसिडेंट सर, आई एम सरप्राइज्ड एट द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर त्यागी. Rights of minorities should be absolute rights. They should not be subject to any consideration as to what another party may like to do to minorities within its jurisdiction. No matter what others do, I think we ought to do what is right in our own judgment. And personally, I think that the rights which are indicated are rights which every minority, irrespective of any other consideration, is entitled to claim. The first right that we have given is the right to use their language, their script, and their culture. We have stated that there shall be no discrimination in the matter of admission into state educational institutions. And no minority shall be precluded from establishing any educational institution. And the state shall not discriminate in giving grants. I cannot understand how there can be any objection to these rights. लोग कहते हैं कि महावीर त्यागी डॉक्टर अंबेडकर को एक गैर राजनीतिक वकील भर मानते थे जो स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत दूर था और कभी जेल तक नहीं गया था.
मगर डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक सूझ और संवैधानिक सोच कितनी दूरदर्शी थी ये समझने के लिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज के छात्रों को दिया उनका एक संबोधन ही काफी है. The idea of making a gift of fundamental rights to every individual is no doubt very laudable. The question is how to make them effective. The prevalent view is that once the rights are enacted in law, then they are safeguarded. As experience proves, rights are protected not by law, but by the social and moral conscience of the society. If the fundamental rights are opposed by the community, no law, no parliament, no judiciary can guarantee them in the real sense of the word. What is the use of fundamental rights to the untouchables in India? As the British political thinker Edmund Burke said, there is no method found for punishing the multitude. Law can punish a single solitary recalcitrant criminal. It can never operate against the whole body of people who choose to defy it. Social conscience is the only safeguard of all rights, fundamental or non-fundamental.